सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ड श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव होंगे। पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे व्हाट नेक्स्ट। ये हमारे फैमिली, जो हमारी सोल फैमिली है, उसकी एक मेंबर है अनम जी, उनकी रिक्वेस्ट थी ये कि व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होना है, इसके बारे में आप रीडिंग कीजिए। उनके एक्शन क्या होंगे, यू नो सिचुएशन क्या है लाइफ के, क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, एवरीथिंग। सो हम इस रीडिंग पे ये चेक करेंगे। एंड अनम जी, थैंक यू सो मच, मुझे आपका मेल मिला, मैं रिप्लाई नहीं कर पाई, बट मैं अभी ठीक हूँ, बहुत बेहतर फील कर रही हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट्स, बहुत मैसेजेस थे, बहुत मेल्स थे, मैं सब को रिप्लाई नहीं की हूँ, एक्चुअली मैं किसी को रिप्लाई नहीं की हूँ। और व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मैसेजेस थे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू, बहुत मायने रखते हैं मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, सीरियसली, ट्रस्ट मी, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट टू मी, थैंक यू, थैंक यू। सो यस, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे व्हाट नेक्स्ट। जो लोग यूनियन में है उनके लिए भी है ये रीडिंग, और जो लोग सेपरेशन में है उनके लिए भी है ये रीडिंग। सो आप अपने सिचुएशन जैसे मैच करती है रीडिंग, जैसे रेजोनेट करती है वैसे लीजिएगा, ठीक है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना दिमाग में ज़रूर रखना है, सब कुछ मैच करे ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखे, गाइडेंस को फॉलो करें, ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। वन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, फीलिंग्स, लाइफ सिचुएशन क्या है, डिवाइन क्या चाहते हैं मेरे व्यूअर्स से, वो आगे क्या एक्शन लेंगे, क्या फीलिंग्स है उनकी, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। Please guide my dear angels, talk to me please. One more time please. Recycle, hello again. Overall energy. Good luck. Kya baat hai? Fetus, abundance and wow, balance, power, lines, energy, kya baat hai, beautiful. Chaliye clarify karte hain. Turn please guide. रिसाइकल क्यों है डिवाइन, यहाँ रिकवर, रिकवर की एनर्जी क्यों है डिवाइन, इनको कुछ का कर्मा मिला है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, इन्होंने कुछ कर्मा अपना भोगा है, झेला है, कुछ रियलाइजेशन इनको हुआ है, जिनसे कि इनको ये समझ में आ रहा है कि जो ये ख़राब करेंगे उनके पास ये चलकर जो चीज़ें वो ज़रूर आएंगी, ऐसा लग रहा है मुझे। जस्टिस, यस, मैंने बोला ना, कुछ कर्मा इन्होंने, कुछ ना कुछ कर्मा, मतलब या इनको वो तकलीफ़ जो इन्होंने आपको दी है, वो तकलीफ़ शायद इन्होंने महसूस की है, या फिर झेले होंगे वो तकलीफ़ को, या किसी न किसी तरह से इन्होंने समझा है आपकी तकलीफ़ को, ठीक है, या तो इनको किसी से वो तकलीफ़ मिली है, या फिर ये इंसान समझ पा रहे हैं आपकी तकलीफ़ को, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान जो है, हेलो अगेन की एनर्जी है, हेलो अगेन के एनर्जी में ये इंसान, इनके पास या तो दो ऑप्शन हो सकते हैं, या इनका माइंड और सोल जो है ना वो इम्बैलेंस है, मतलब अलाइंड नहीं है, माइंड एक तरफ भागता है और सोल एक तरफ भागती है, मतलब हमेशा एक जगलिंग रहती है अंदर, जैसे हमारा कभी कभी होता है ना, छोटे छोटे चीज़ों पर होता है ना, ये करूँ कि नहीं करूँ, तो दिल कहता है कि करना है, माइंड कहता है नहीं, हम उलझते हैं उसमें क्या करना है, और हमें ऐसा लगता है कि कोई हमें गाइड कर दे, कोई हमें बता दे कि हमें क्या करना चाहिए। सो वैसी एक जगलिंग इनके अंदर होती है, जब इनको समझ में नहीं आता कि ये करें क्या, ये इंसान जो है वेट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ कर दिया है, किसी और के साथ ये खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं है, पूरी ओवरऑल एनर्जी इनकी ऐसी है कि ये इंसान वेट कर रहे हैं, हार नहीं मान रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं,
इनको एक्शन लेना ज़रूर है, इनको जस्टिस करना ज़रूर है, लेकिन इनको नहीं पता कि जस्टिस कैसे करेंगे, इनको नहीं पता है। इनको हेलो अगेन एक मैसेज आपको ज़रूर करना है, एक कॉल मैसेज करने के बारे में यू नो पूरा दिन इनका यही सोच के जा रहा है कि ये आपको कैसे बात करें, कैसे आपको कॉल मैसेज करें, या फिर क्या बोले, आपका रिप्लाई आएगा कि नहीं, अगर ये आपको सामने से यू नो अगर एक्शन लेते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होगा, ये सब, या फिर जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, मुझे लग रहा है कि यू नो कुछ ये इंसान जो भी तकलीफ़ आपको इन्होंने दिया है उसको ये रिकवर करना चाहते हैं, मे भी आपके लिए बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि आपकी वो तकलीफ़ ख़त्म हो जो उन्होंने आपको दी थी पहले, ठीक है। सो ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं ज़रूर, और जगलिंग अंदर चल रही है, और इनको एक एक्शन लेना है, इनको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि इनको एक्शन लेना है, ठीक है, लेकिन बात करें कैसे, शुरुआत करें कैसे, क्या बोलें, ऐसा ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोलें और क्या करें, लेकिन यस पूरा दिन यही सोच के जा रहा है कि एक्शन लेना है, एक्शन लेना है, एक्शन लेना है। ओके गुड लक, गुड लक की एनर्जी यहाँ पे है जो कि फीलिंग्स में है, ठीक है। ये इंसान जो है एक्सप्रेस करना चाहते हैं, माई गुडनेस, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, ये लेना चाहते हैं, लेकिन देखिए फिर से वही एनर्जी है, माई गुडनेस, मतलब ये इतने कन्फ्यूज कैसे हो सकते हैं यार, मतलब ये बहुत सोच विचार, गहन विचार जिसको कहते हैं ना हम, कि बार बार सोचना क्या करूं, कैसे करूं, एक्शन लूं नहीं लूं, बात करूं नहीं करूं, कैसे करूं क्या करूं, एकदम उसमें उलझे हैं, कि इंसान शांत है, बहुत सोच रहे हैं, आपके साथ एक अबंडेंस होता है इनको, ठीक है, कोई कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ ये इंसान, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन या कोई डीप बॉन्ड आप लोगों का होगा, या फिर बहुत इंटेंसिटी होगी एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी होगी। देखिए फिर से इनको एक्शन लेना होता है और ये शांत हो जाते हैं, सोचते हैं इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी है, इनको आपको सॉरी या तो बोलना है, या तो आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, यू नो आपको देखना चाहते हैं कि आप किस एनर्जी में हो, या फिर आप बात करने के लिए रेडी हो या नहीं हो। इनको ऐसा लग रहा है अगर इन्होंने आपको ऑफर दिया कुछ, या फिर अगर इन्होंने एक्शन लिया तो आप इनसे बात नहीं करोगे, जो कि इनसे हैंडल नहीं होगा, इसलिए ये इंसान एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये आपके साथ एक फ्यूचर ज़रूर देखते हैं, ठीक है, मतलब अपना फ्यूचर ज़रूर देखते हैं, और वेट भी कर रहे हैं इंसान, इनको लगता है कि आप इनके लिए गुड लक हो, आप जब इनके लाइफ में रहते हो तो इनका जो है सब अच्छे से चलता है, यू नो सब कुछ ट्रैक पे रहता है, तो ऐसी एक एनर्जी है। अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहते हैं इस टाइम, ये फीलिंग्स इनके अंदर अभी बहुत है और एक्सप्रेस करने वाली फीलिंग्स है, हमेशा इनके फीलिंग्स कैसी होती है कि फीलिंग्स तो बहुत होती है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे, छुपाएंगे, मतलब आज की एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो होता ना कि एकदम कैसे बताऊँ, लाइक खुल के ये इंसान जो है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपसे, कि कितना आपसे प्यार करते हैं, या फिर कितनी फीलिंग्स हैं इनके अंदर, ये जो भी है इनके अंदर ये खुल के आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ऐसी एक एनर्जी इनकी है, ठीक है। बट इनको डर यही है कि अगर ये सामने से एक्शन लेंगे तो आप इनसे बात नहीं करोगे, जो कि ये हैंडल नहीं कर पाएंगे। इनको चाहिए पीस, इनको चाहिए हारमोनी इस रिश्ते में, हाँ एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूर दिख रही है, या फिर कुछ ना कुछ रियलाइजेशन, कुछ ना कुछ समझ रहे हैं इंसान, या फिर आपके कनेक्शन को, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, कर्मा, यू नो जब सोल कॉन्शियसनेस में हम देखते हैं लाइफ को। देखिए एक रीबर्थ चाहिए इनको, ओ माय गुडनेस, एक रीबर्थ चाहिए, एक रिस्की मतलब एक रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, मतलब एक रिस्क इंसान लेना चाहते हैं, भले वो रिस्की होगा एक्शन, लेकिन लेना चाहते हैं। अब रिस्की क्या होगा, अगर ये इंसान आएंगे आपको कॉल मैसेज अगर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप बात नहीं करोगे, मैक्सिमम यही होगा, है ना, या ब्लॉक कर दोगे आप, क्योंकि ये इंसान हैंडल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी इनको लग रहा है कि ठीक है एक रिस्क इनको लेना पड़ेगा, एक रिस्क ये लेना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। देखा ना, मतलब अगर ये एक्शन लेंगे तो आप इनको कट ऑफ कर दोगे अपने लाइफ से, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक अलग एनर्जी में हैं, आपको रियूनियन चाहिए कि नहीं चाहिए इनको नहीं पता है, लेकिन इनको एक एक्शन लेना है, एक हारमोनी चाहिए इनको, ठीक है, ये आपको संभाल के रखना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, आपके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं ये इंसान अभी, ठीक है, एक रीबर्थ चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं इस रिश्ते में, जो भी पास्ट की एनर्जी है वो नहीं चाहते हैं इंसान, एक नई एनर्जी चाहते हैं, फ्रेश एनर्जी, एक रीबर्थ चाहते हैं, ठीक है। रीबर्थ का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब अच्छा, एक अच्छाई, अपडेट होता है ना कुछ चीज़, जैसे हम कुछ ना कुछ लाइक यू नो हम
अपने बिहेवियर में कुछ ना कुछ चेंज करते हैं और हम अपग्रेड होते हैं, तो उस तरह से इंसान कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपने अंदर, ठीक है, कुछ आदतों को बदलना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, या फिर इस रिश्ते में कुछ अच्छाई चाहते हैं, आप में कुछ बदलाव चाहते हैं। सो कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ये चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक पीस चाहते हैं, हारमोनी, मतलब अगर ये आपको रिकनेक्ट करें अगर ये इंसान, तो हार्मोनी हो आप दोनों के बीच, पीस हो, ये चाहते हैं, ठीक है। मतलब इनकी सोल जो है ना, वो आपसे कनेक्ट होने के बाद पीसफुल हो जाती है, तो उनको ये पीस चाहिए जो कि अभी उनके लाइफ में नहीं है। अभी ये कहीं भी है इंसान, आपसे दूर है, यू नो, किसी के साथ भी है अगर, लेकिन उनको वो पीस नहीं हो, शांति एक अंदर होती है ना, वो नहीं है इनको। सो इनको पीस चाहिए आपके साथ, और इनको ऐसा लगता है कि अगर ये कनेक्ट होए आपसे, अगर फिर से रिकनेक्ट करें आपसे, तो इनको वो हार्मोनी, वो पीस चाहिए, ठीक है। मतलब पहले वाला जो पहले वाली जो एनर्जी है आप लोगों की, वो नहीं चाहिए। एक ट्रांसफॉर्म रिश्ता इनको चाहिए, ठीक है, जो कि आप भी बदले, वो भी बदले, सिचुएशन जो बदल रहे हैं, और यू नो, अब पुरानी गलतियों को रिपीट ना करें आप दोनों, इस तरह से ये सोच रहे हैं, ठीक है। ब्यूटिफुल। सो नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 9, 21, 3, 10, 1, 12, 3, 7, 7, 7, 5, 4, ओके। और साइन मत देखिए, बहुत सारे कार्ड्स निकलते हैं, ऑल साइंस रीडिंग है। अभी मैं साइन बोलूँगी तो सारे साइंस आ ही जाएंगे इसमें, है ना, इतने सारे कार्ड्स हम निकाल रहे हैं। मैसेंजर की एनर्जी है और ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप डिफेंसिव हो रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। आप या तो कुछ लोग ब्लॉक किए हैं अपने पार्टनर को, माई गुडनेस, ये आपकी एनर्जी है। फिर मैसेज की एनर्जी जो है ना, वो आपकी है। आप इनको या तो मैसेज नहीं कर रहे हो, आप ईगो में हो, प्राइड में हो, आप दूसरे ऑप्शन को ट्राई कर रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। आप जो है ना, मतलब रीयूनियन के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये आपसे चाहते हैं रीयूनियन, ये आपसे चाहते हैं कुछ, आप एक एक्शन लो, लेकिन कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपने पार्टनर को ब्लॉक किए हैं ऐसा लग रहा है, या फिर डिफेंसिव हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के बात का जवाब नहीं दे रहे होंगे, लो कॉन्टैक्ट में होंगे, या फिर नो कॉन्टैक्ट में अगर है भी तो आपने ये तो ब्लॉक किया है, या तो आप बिल्कुल देख नहीं रहे हो कि क्या कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है ऐसा, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो, या फिर आप इनको कनेक्ट करने नहीं दे रहे हो। मतलब एक होता है ना एनर्जी, जब हमको लगता है कि यस दोनों रेडी हैं तो हम बात कर सकते हैं अब, तो वो कनेक्शन आप नहीं दे रहे हो, कनेक्टिविटी आप नहीं दे रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो। या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, या तो फिर यू नो, आप प्राइड में है अभी, आप घमंड में हैं, ईगो में हैं आप, ऐसा लग रहा है इनको। और रीयूनियन ये आपसे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यू नो, सब कुछ ठीक करें, आप हारमोनी लेके आएँ, पीस लेके आएँ, ये ऐसा चाहते हैं। मतलब मैसेज बेसिकली ये आपसे चाह रहे हैं, ठीक है। पैशनेट होकर आप इनको मैसेज करो, एकदम आपकी पैशनेट वाली एनर्जी हो, जैसे पहले आपकी एनर्जी होती थी, उस तरह की एनर्जी आपकी हो, और आप इनको मैसेज करो, ये इंसान ये चाहते हैं आपसे। अबंडेंस जो है ना, वो ऑब्स्टेकल में है, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि खुशियाँ नहीं है आप दोनों के बीच, मतलब अलग है दोनों। देखा, एट ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक डिटैचमेंट की एनर्जी है, क्लैरिटी नहीं लाइफ में कि क्या चाहिए। देखिए, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों एक दूसरे से अलग तो हैं, लेकिन दोनों ही खुश नहीं है, डिटैच्ड हो गए हैं सबसे। आप दोनों एक दूसरे से डिटैच तो हो रहे हैं, बाकी के जो रिलेशनशिप हैं उनसे भी आप डिटैच हो रहे हो। तो बहुत लोग यहाँ ऐसे हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत उठना बैठना नहीं करते होंगे, या फिर यू नो, फैमिली से बहुत बातचीत नहीं, बहुत इंटरेक्शन नहीं फैमिली मेम्बर्स के साथ, या फिर कलीग्स के साथ बहुत इंटरेक्शंस नहीं। तो ये इनको क्या लग रहा है कि यू नो, जो अबंडेंस, जो खुशियाँ आप दोनों के बीच थी ना जब आप दोनों साथ थे, वो खुशियाँ अब नहीं हैं। आप भी अकेले में उदास हो और ये इंसान भी उदास है, कोई क्लियरिटी नहीं मिल रही है। क्लियरिटी इनको चाहिए ज़रूर, लेकिन वो ऑब्स्टिकल है। रीयूनियन इनको चाहिए ज़रूर, लेकिन वो ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, यहाँ पे कोई भी एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है, रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है। दोनों ही प्राइड में है, ऐसा लग रहा है दोनों ही प्राइड में है, दोनों को ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे का दिल तोड़ेंगे, बात दोनों को करनी है, माई गुडनेस, दोनों को ही बात करनी है, लेकिन दोनों को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं एक्शन लूँ तो वो मेरा दिल तोड़ देंगे, या फिर यू नो, दोनों को ही ऐसा लग रहा है, तो इसलिए दोनों एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहा है इस टाइम पे। और जो खुशियाँ हैं आप दोनों की, जो साथ में होती थी, वो जो है अभी नहीं है, यू नो, तो जो खुशियाँ हैं, जो एक अबंडेंस होता है एक रिश्ते में, वो ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको, और लग रहा है कि अब मिलने के, अब रिकनेक्ट करोगे भी आप लोग, तो वो अबंडेंस, वो खुशियाँ, वो पता नहीं वो सुकून रहेगा कि नहीं अभी, ऐसा लग रहा है इनको, ठीक है। और एक्शन में बैलेंस की एनर्जी है, तो ये इंसान जो है ना, बैलेंस ज़रूर करना चाहते हैं। कुछ कुछ चीज़ें अप डाउन्स आपके बीच होती होंगी, उसको ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। बैलेंस क्यों है रवाई यहाँ पर, सो मुझे लग रहा है कि इंसान हीलिंग कर रहे हैं, माय गॉड, वाओ, देखिए
ये इंसान बैलेंस करना चाहते हैं। देखिए आप दोनों के बीच अप डाउन ज़रूर आते होंगे, है ना। कभी आपकी एनर्जी उनके लिए बहुत पैशनेट होती होगी, उस टाइम ये इंसान भागते होंगे आपसे, कभी ये इंसान आपके पीछे भागते हैं और आप भाग रहे होते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इम्बैलेंस्ड है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि इक्वल नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि अप डाउन होता है। अब समझिए मेरी बात को, अगर आप किसी इंसान से प्यार करते हैं और वो इंसान भी आपसे उसी एनर्जी में आपके साथ वो इंसान कनेक्टेड है जिस तरह से आप कनेक्टेड हैं, या फिर पहले वो वैसे ही कनेक्टेड थे आपसे, और कभी आपने उनके साथ बहुत एक अलग लेवल का आपने वो फीलिंग्स आपने शेयर की है, तो सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं, है ना। सब में ऑब्स्टिकल्स आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। अब प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगी सब लोगों के लिए, तो आपको पता होगा कि कितने प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन नॉर्मल जो अप डाउन्स हैं, बहुत ज़बरदस्त अप डाउन्स होते हैं रिलेशनशिप में, वहाँ आपको पेशेंस रखना होता है ना। अगर वो सेम एनर्जी शेयर करने वाले एक इंसान आपके साथ, कभी उस इंसान ने कभी आपके साथ वो सेम एनर्जी शेयर किया होगा, वहाँ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अप डाउन्स तो आएंगे ही। कितना भी कोई सोलमेट हो, कितना भी कोई यू नो, कितना भी स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, या फिर कुछ भी हो, रोमांटिक कनेक्शन हो, बहुत इंटेंसिटी हो, बहुत पैशनेट हो एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी अप डाउन्स आते हैं रिश्ते में। अगर वो इंसान आपके साथ रिकनेक्ट करने के बाद उनके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, अगर वो चेंज हो रहे हैं अंदर से, तो इसका मतलब ये है कि आपको पेशेंस रखना होगा वहाँ पे। लेकिन अगर नहीं आ रहा है, अगर आप हर बार कनेक्ट कर रहे हो और वो इंसान जो है उनकी यू नो चीज़ें और ख़राब होती जा रही है दिन ब दिन, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको या तो आप और वेट करें, उनको हील होने दें, या फिर आप डिसाइड करें कुछ, है ना। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है, इनकी फीलिंग्स अभी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक बैलेंस ज़रूर चाहते हैं। जो भी अप डाउन होते हैं आप दोनों के बीच, उसमें ये इंसान बैलेंस ज़रूर क्रिएट करना चाहते हैं, यू नो, और एक इक्वालिटी ज़रूर चाहते हैं, गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप ज़रूर चाहते हैं ये इंसान। लेकिन अप डाउन्स इनको पता है कि होगा ही, है ना, वो नेचुरल है, वो तो होता ही है और होगा ही, लेकिन ये एक बैलेंस ज़रूर क्रिएट करना चाह रहे हैं, एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं आपके साथ। एक गिल्ट की एनर्जी में ये इंसान है, इनको ऐसा लगता है ना कि इन्होंने गलत किया कुछ ना कुछ, या फिर साइलेंट है, मतलब सफरिंग इन साइलेंस, एकदम चुपचाप अपने आप को जैसे कि सज़ा दे रहे हैं, वैसी एनर्जी है इनकी, ठीक है। लेकिन होपफुल भी है इंसान कि सब कुछ ठीक होगा, बैलेंस होगा, कभी ना कभी आप दोनों मिलोगे। सो जिनके भी पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पेशेंस रखना होगा। अगर ये इंसान चाह रहे हैं बैलेंस करना, तो आपको पेशेंस रखना होगा। अगर रिकनेक्ट करते हैं आप लोग और उसके बाद ये इंसान जो है चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज बहुत सडन नहीं होता है, अगर कोशिश भी आपको दिख रही है उनकी तरफ से, तो आपको पेशेंस रखना होगा। एक रिश्ता को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको तोड़ना बहुत ईजी होता है, किसी रिश्ते में पड़ना भी बहुत ईजी होता है, तोड़ना भी बहुत ईजी होता है, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। सो अगर इनमें वो चेंजेस आ रहे हैं, भले बहुत स्लो है, लेकिन अगर कोशिश आपको दिख रही है इनकी तरफ से, तो आपको पेशेंसली वेट करना होगा ताकि ये इंसान चेंज होए आस्ते आस्ते, धीरे धीरे, है ना। चेंज सडन नहीं आता है ना, हम अपने में ही कोई चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो नहीं होता है, हम बहुत कोशिश करते हैं। सपोज छोटी सी एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिम जाना है ना, आपको पता होता है कि हम मोटे हो रहे हैं, हमारे यहाँ वेट गेन हो रहा है, हम वेट गेन कर रहे हैं, हमें जिम जाना है, लेकिन हम हर दिन अलार्म रखते हैं, क्या हम उठते हैं? नहीं, हम हर दिन सोचते हैं हम कल उठेंगे, है ना, कल हम करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे हम। सो चेंजेस मुश्किल होता है ना। सो ये इंसान मुझे लग रहा है कि चेंज हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एक बैलेंस क्रिएट करने की। अब एक्शन जो है ये आपसे चाह रहे हैं, आपको वेट करना होगा ताकि ये इंसान अपनी तरफ से एक्शन ले। जब अपनी तरफ से एक्शन लेंगे, इसका मतलब ये है कि ये रेडी है चेंज होने के लिए, ठीक है, ये रेडी है वो पॉजिटिविटी लाने के लिए। तो इतना ही काफ़ी होता है, आपको ये दिखना कि ये इंसान तैयार है चेंज होने के लिए। अब पूरा चेंजेस आप इनसे चाहोगे कि तुम ही चेंज हो पूरी तरह से, मेरे लिए तुम पूरे की पूरी तरह चेंज हो जाओ, पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाओ, तो ऐसा नहीं होता है। आप अगर चेंज हो रहे हैं, तो वो इंसान आपको देखेंगे कि आप चेंज हो रहे हो, और वो भी इंसान चेंज होंगे। सो चेंजेस दोनों साइड से होते हैं ना, तो आपको चेंज आपको भी होना होगा और ये भी होंगे चेंज, मुझे ऐसा लग रहा है। एक पावर लाइन्स की एनर्जी है, एनर्जी की यहाँ पे एनर्जी की एनर्जी है यहाँ पे। सो कुछ ना कुछ कनेक्टेड है आप दोनों के बीच, ठीक है। कुछ ऐसे तार हैं जो नहीं टूट रहे हैं, कुछ ऐसा तार है जो बंधा हुआ है जो नहीं टूट रहा है, और इसलिए आप लोग पूरी तरह से अलग नहीं हो रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डोर है जो कनेक्टेड है, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। सो जो लोग सेपरेशन में है वो, और जो सेपरेशन में नहीं है उनके पार्टनर जो है एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ऐसा लग रहा है। और जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके पार्टनर भी ऐसा सोच रहे हैं कि यू नो जो अप डाउन्स चल रहे हैं, बिल्कुल चलेंगे, वो तो रिलेशनशिप में चलता ही है, चलेंगे। अगर चल भी रहे हैं तो ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर कर रहे हैं, और अगर ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो आपका भी वो फ़र्ज़ बनता है कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें, ठीक है, उनको मौका दें कि वो चेंज होए, है ना।
सो मैं यही बोल रही थी कि यू नो प्यार को समझना और प्यार में पढ़ना और तुरंत से छोड़ देना बहुत इजी होता है, उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है ना। आपको बहुत लोग बोलेंगे कि मूव ऑन कर लीजिए आप, है ना, किसी और को डेट कर लीजिए आप। आप कितने लोगों को डेट करोगे ऐसे, क्योंकि हर इंसान ऐसे ही होते हैं, आपको ऐसे लोगों के साथ ही डील करना होगा। और मैक्सिमम लोग ऐसे ही होते हैं, मैक्सिमम लोग वुंडेड होते हैं, उनको हीलिंग की ज़रूरत होती है, उनको यू नो बचपन अच्छा नहीं बीता होता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनका जिनके चलते उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है। और हम भी बहुत हद तक वुंडेड ही होते हैं, तो हम हील करते हैं, हम दूसरों को हील करते हैं, बस यही चलता है। एक साथ जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो डिपेंड आप पे करता है, ये डिसीजन आपका होना चाहिए कि आपको मूव ऑन करना है कि रुकना है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपके पर्सन चेंज होए, तो आपको पेशेंसली वेट करना होगा और आपको भी चेंज होना होगा उनके लिए, ताकि वो चेंज होए। ठीक है, सो मैसेज क्या देना चाहते हैं? ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं। मैसेज प्लीज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। देखिए मैं तो हमेशा यू नो बनाने में विश्वास करती हूँ, मैं तोड़ने में विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक रिश्ता तोड़ेंगे तो हमें हर रिश्ते को तोड़ना होगा, क्योंकि हर इंसान ऐसे ही होते हैं। ट्राई कर लो, आप इनको छोड़ दो जिनके साथ अभी आप हैं, किसी और के साथ चल जाओ आप, वो इंसान भी यही करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे कर्मा ही होते हैं जो कि हमें सीखने होते हैं। और वो हर इंसान जो हमारे लाइफ में आएगा वो हमें यही सिखाने के लिए आएगा। सो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, यहाँ से मूव ऑन करो वहाँ जाओ, वहाँ से मूव ऑन करो कहीं और जाओ। अगेन मैं बोल रही हूँ, डिसीजन आपका होगा, बट आपको थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना होगा, अगर मेरी बात आप सुने तो। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। आई डोंट नो हाउ यू फील, आई एम इन योर हार्ट, इनको ऐसा लग रहा है, मैंने बोला ना आपका इनके एक्शन से आपका रिएक्शन क्या होगा ये इनको नहीं पता है, इसलिए ये इंसान जो है थोड़ा सा हेजिटेट फील कर रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है, इनको करना है बात आपसे लेकिन कैसे करें, क्या करें, आपका रिएक्शन क्या होगा इनको नहीं पता है। नो वन कैन एवर टेक योर प्लेस इन माई हार्ट, कोई भी आपकी जगह इनके दिल में नहीं ले सकता है, ये इनका कहना ये है। वाई आई डिडंट अंडरस्टूड योर लव, नाउ आई रिग्रेट, रिग्रेट की एनर्जी है, मैंने बोला ना कि रिग्रेट की एनर्जी है यहाँ पे। वेन आई मेट यू माई लाइफ कम्प्लीटली चेंज, तो इनमें भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए होंगे, ये भी बहुत चेंज हुए होंगे, ऐसा हो सकता है। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, दिन भर आपको सोच रहे हैं और यही सोच रहे हैं, मैंने बोला ना दिन भर दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे एक्शन ले, क्या बोले, कैसे स्टार्ट करे बात को, कैसे बोले कि आपका यू नो तुरंत से रिएक्शन अच्छा आ जाए, पॉजिटिव रिएक्शन आ जाए, कुछ नेगेटिव आप ना बोलो ऐसा। वी हैव नेवर ओनली बीन फ्रेंड्स, तो ये जो हैं ये कहना चाहते हैं कि ये कभी भी आपके साथ सिर्फ फ्रेंड्स नहीं थे, राइट, और ये बनना भी नहीं चाहते आपके फ्रेंड्स, ठीक है, खाली फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहते। यू आर माई सोल मेट, तो इनको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ डीप कनेक्शन है आपके साथ, कुछ ना कुछ ऐसा बॉन्ड है जो कि नहीं छूट रहा है, कुछ ना कुछ ऐसी तार है जो कि नहीं कट रही है, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे डोर है जो आप दोनों को बांध के रखी है, इनका कहना ये है। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माई डियर व्यूवर्स, आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से, मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल।